चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। सड़क पर दौड़ती किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर यदि यूपी 23 लिखा दिखाई दे तो समझ लीजिए वह अमरोहा की है। आधुनिक ब्रिटिश भारत में 1803 से 1997 तक मुरादाबाद जिले की एक तहसील के रूप में पहचाना जाने वाले अमरोहा को 15 अप्रैल 1997 में जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में 260,000 की विशाल जनसंख्या वाला यह वृहद नगरीय क्षेत्र मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, रामपुर एवं संभल के बाद चौथा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पतित पावनी माँ गंगा की अविरल जलधारा से 38 किलोमीटर पूर्व में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बसा शहर अमरोहा वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना विशेष स्थान रखता है। तो आइए आधुनिक अमरोहा शहर की यात्रा प्रारंभ करते हैं अमरोहा के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन से। अमरोहा रेलवे स्टेशन से दिल्ली मुरादाबाद बरेली लखनऊ रेलवे मार्ग गुजरता है। यहाँ प्रतिदिन 64 रेलगाड़ियों का ठहराव है। रेलवे स्टेशन से स्टेशन रोड के रूप में चंद कदमों की दूरी पर शहर का सबसे बड़ा चौराहा गांधी मूर्ति चौक दिखाई पड़ता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित इस भव्य चौराहे पर नगरपालिका परिषद अमरोहा द्वारा एक ऐतिहासिक वकारुल मुल्क द्वार का निर्माण किया गया है, जो अमरोहा शहर के सौंदर्य में 4 चांद लगाता है। वकारुल मुल्क द्वार में प्रवेश करके शहर का एक प्रमुख मार्ग आज़ाद रोड के रूप में प्रारंभ होता है। इस मार्ग पर कुछ आगे बढ़कर माधव सिनेप्लेक्स एवं भव्य गुरुद्वारा का परिसर दिखाई पड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हुए यह प्रमुख सड़क इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज एवं अर्जुन सिनेमा होकर हिंदू इंटर कॉलेज होते हुए मंडी चौक से जोड़ती है। गांधी मूर्ति चौक से एक अन्य प्रमुख सड़क राजकीय इंटर कॉलेज होते हुए जोया रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा से जोड़ती है। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में एक है। यहाँ पुलिस चौकी ट्रांसपोर्ट नगर भी स्थापित है। यहाँ जोया की ओर जाने वाली सड़क रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर जिला सत्र न्यायालय, कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए जोया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से जोड़ती है। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा से एक प्रमुख सड़क बिजनौर मार्ग के रूप में प्रारंभ होती है, जहाँ देहली गेट के निकट शहर का एक प्रमुख बाजार बटवाल बाजार के रूप में प्रवेश करता है। बाजार बटवाल अमरोहा के प्रमुख बाजारों में सम्मिलित है। यह प्रमुख बाजार बिजनौर रोड को कोट चौराहा से जोड़ता है। कोट चौराहा अमरोहा शहर का दिल एवं प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। मुख्य बाजारों का मध्य केंद्र होने के कारण यहां व्यस्तता सदैव बनी रहती है। यहां से एक प्रमुख सड़क कोट बाजार के रूप में पुलिस चौकी कोट होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा की ओर प्रस्थान करती है। कोट चौराहा से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क पर मुख्य डाकघर एवं अमरोहा की नगर पालिका परिषद का ऐतिहासिक कार्यालय अपनी भव्यता से सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कोट चौराहा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए अमरोहा के बाजारों की भव्यता चारों ओर दिखाई पड़ती है। कोट चौराहा से उत्तर की ओर बाजार सफात पोता का क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो आगे चलकर बाजार घेर मुनाफ के रूप में पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हुए सर्राफा बाजार में बड़े बड़े आभूषणों के शोरूम दिखाई पड़ते हैं। सर्राफा बाजार से आगे का क्षेत्र बाजार गुदड़ी के रूप में पहचाना जाता है। गुदड़ी बाजार स्थित तिराहे से एक प्रमुख बाजार नौबत खाना बाजार के रूप में बिजनौर रोड स्थित धनौरा चुंगी से जोड़ता है। गुदड़ी बाजार आगे बढ़ते हुए बाजार बसावनगंज के रूप में शहर कोतवाली चौराहे पर पहुंचता है। यहां अमरोहा शहर की ऐतिहासिक कोतवाली शहर स्थापित है। यहां से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क हिंदू कॉलेज से जोड़ती है। शहर कोतवाली से एक प्रमुख सड़क बड़ा बाजार के रूप में अमरोहा शहर की भव्यता का अवलोकन कराती है। बड़ा बाजार पूर्व की ओर मुरादाबादी गेट होकर कैलसा रोड के रूप में मुरादाबाद की ओर प्रस्थान करता है। बड़ा बाजार से एक प्रमुख सड़क उत्तर दिशा की ओर जट बाजार होते हुए कांठ की ओर प्रस्थान करती है। बिजनौर मार्ग पर दिल्ली गेट से आगे बढ़ते हुए शहर का एक और प्रमुख चौराहा पक्का बाग चौक दिखाई पड़ता है। पक्का बाग चौराहे से आगे बढ़ने पर अतरासी तराहा से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क अतरासी रोड के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की ओर प्रस्थान करती है। इस मार्ग पर आवास विकास की दोनों परियोजनाएं एवं अनेकों आवासीय परियोजनाएं स्थापित हैं। अमरोहा शहर के पूर्वी छोर पर सैयद हुसैन सरफुद्दीन शाह विला दरगाह भी स्थापित है। बिजनौर मार्ग से सटा हुआ ऐतिहासिक वासुदेव मंदिर स्थापित है, जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना बेहद कठिन है। यह विशाल मंदिर परिसर आस्था का प्रमुख केंद्र है। अतरासी तराहा से आगे बढ़ते हुए पुलिस लाइन चौक होकर बिजनौर रोड शहर के अनेकों भागों को जोड़ते हुए बिजनौर शहर की ओर प्रस्थान कर जाता है।
अमरोहा शहर को कैमरे में कैद करने का अनुभव बेहद शानदार रहा। अमरोहा शहर में भ्रमण करवाने की इच्छा का पूर्ण होना एक सपने के साकार होने जैसा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अमरोहा शहर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों को शेयर करें जो आपके हृदय एवं अमरोहा जनपद से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।